Welcome to Digital Adhyapak. Second question is, show that the relation R in set A of all books in a library of a college, given that R is X, Y, such that X and Y have same number of pages, is an equivalence relation. सवाल कह रहा है कि R एक ऐसा रिश्ता है कि X और Y अगर R से जुड़े हुए हैं तो X और Y एक किताब है जिनमें सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे, तो ये शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो हम आइए इक्विवेलेंस के लिए हमें तीन बातें प्रूव करनी होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहला हम रिफ्लेक्सिविटी प्रूव करते हैं। तो अगर कोई किताब है ए, तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, क्यों, एज ए इज हैविंग सेम नंबर ऑफ पेजेस एज ए, कोई भी किताब का जो नंबर ऑफ पेज होगा वो खुद के बराबर ही होगा, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिसिटी की बात करते हैं, सिमेट्रिसिटी मान लेते हैं ए कॉमा बी बिलोंग टू आर, ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है इसका मतलब नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू बी। अगर ए किताब में जितने पेज है उतने ही बी किताब में भी है, तो इसका मतलब जितने पेजेस मेरे बी किताब में हैं उतने ही ए किताब में भी है, विच इंप्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, हेंस आर इज सिमेट्रिक, आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिविटी की बात करते हैं, ट्रांजिटिविटी में क्या करते हैं, आइए मान लेते हैं कोई मेरे पास बुक ए कॉमा बी कोई बुक का नाम है जो कि आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी भी आर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ पेजेस इन ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, इसका मतलब अगर ए बी आर से जुड़ा हुआ है बी सी आर से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ पेजेस हैं किताब ए में वो बी के बराबर है और जो किताब बी में नंबर ऑफ पेजेस है वो सी के बराबर है, इसका मतलब नंबर ऑफ पेज ए इज ऑल्सो इक्वल टू सी, विच इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। तो रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, एंड हेंस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। थैंक यू।